<coughs> हां जी गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सभी को सत अकाल और आज के टॉपिक के अंदर नरेशन को और बेसिक प्रपोजिशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं और आज के इस क्लास के अंदर मेरी तबीयत ठीक है बहुत ठीक है कुछ हद तक ठीक है और आज एनर्जी के साथ पूरे दो घंटे छपा छप देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम नरेशन को कैसे चेंज करने वाले हैं सबसे पहले सारे बच्चे जल्दी लाइव आ जाइए रिपीट नहीं करूंगा ठीक है जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए अब देखिए यहां पर आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन टाइप आता है जो ऑक्सलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ऑक्सलरी वर्ब कौन सी होती है जैसे इज आर एम जैसे आपके पास वोज जैसे आपके पास हैज हैव जैसे आपके पास विल शल जैसे आपके पास दुनिया का कोई भी मॉडल शेल के बाद ऑब्लिक करके मॉडल इससे शुरू होने वाले कोई भी इंटरोगेटिव हो जिनका आंसर आपको या तो यस yes में मिलेगा या नो no में मिलता है ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फर्स्ट टाइप के अंदर हम डालते हैं ऐसे सेंटेंसेस के अंदर अगर मैं देखूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और कैसे चेंज करना होता है तो सबसे पहले लिखिए सैम से टू मी इंटेरोगेटिव डू यू नो मी डू यू नो मी अब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ गया तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम सेड टू को अभी तक हम टोल्ड में बदलते थे अब टोल्ड में नहीं बदलेंगे अब किस में बदलेंगे आस्कड में तो ये बन जाएगा सैम आस्कड मी जब भी आपके पास आस्क पूछने का इस्तेमाल हो ऐसे के अंदर इंटेरोगेटिव को हटाकर दो चीजें लगाई जाती हैं, या तो इफ या वेदर या तो इफ या वेदर तो जब जनरल सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस था इंटेरोगेटिव को हटाकर आपके पास क्या लग रहा था दैट लेकिन यहां पर इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा सर इफ लगाए या वेदर आपको चुनना है यू हैव टू चूज द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन और वहां इफ और वेदर कोई एक चीज दी होगी जो आप चूज कर लेंगे सुविधा के लिए अभी मैं इफ यूज कर लेता हूं जब भी कभी नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर बनेगा वो हमेशा एक सिंपल सेंटेंस होता है मतलब लास्ट में फुल स्टॉप आता है बेशक आपके पास सिंपल असल्टिव सेंटेंस हो नेगेटिव सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो इंपेरेटिव सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो कोई भी तरह का सेंटेंस हो एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर हमेशा फुल स्टॉप में आएगा मतलब एक सिंपल सेंटेंस में आएगा एक बार लिखो इस बात को कमेंट बॉक्स पे लिखो फटाफट ठीक है मस्ती भी करेंगे बढ़िया करेंगे एक बार हम दस मिनट एक बार मोमेंटम बना लेते हैं अब फुल स्टॉप का मतलब है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद वर्ब लगेगी तो यानी कि ये यू का काम सबसे पहले है और यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यहां पर ये क्या हो जाएगा यहां पर ये आई हो जाएगा अब ये डू नो वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस की शुरुआत में क्या है पास्ट तो पास्ट के तौर पर यह नो no की क्या फॉर्म हो जाएगी न्यू तो पास्ट फॉर्म होगी न्यू आई न्यू मी कौन से पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है अभी अभी तो स्टार्ट किया है भाई नरेशन का टाइप समझाया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले टाइप के जो इंटारोगेटिव होते हैं वो ऑक्सलरी से स्टार्ट होने वाले होते हैं जिनके आंसर यस या नो में आते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर यस या नो में आते हैं उनके लिए कंजंक्शन के तौर पर इफ या वेदर का इस्तेमाल यूज होता है महावीर बंसल क्या लिख रहे हो इंडस का एंड मेरे को समझ में नहीं आया बताओ दोबारा पूरा लिखो नहीं समझ में आया देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग तो सैम आठ मी इफ आई न्यू और ये मी लगा हुआ मी वर्ब की सॉरी मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ये हो जाएगा हिम और लास्ट में फुल स्टॉप एक क्वेश्चन इसी तरीके से आप भी बना के देखो मैं इसको हल्का सा छोटा करके आपके लिए यहां रख देता हूं ताकि आप नकल भी मारना चाहे तो कर सकते हैं सर आप वॉकअप का भी क्लास करवाते हैं अलग से जी कंप्यूटर जी एक बार जवाब दे दीजिए चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बड़ा आसान सा हां इसमें भी टेंस को प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि टेंस का चेंज इसलिए तो समझाया था आओ देखते हैं चलिए राधिका सेठ टू मोहन राधिका सेठ टू मोहन डू यू लव मी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो राधिका ने मोहन से कहा तो यानी की कहने की बात है या पूछने की बात है तो ये पूछा है और पूछने के लिए किसका इस्तेमाल होता है बेटा का अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो आस्क का आस्क की जगह इंक्वायर्ड ऑफ का भी इस्तेमाल हो सकता है किसका जी इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क की जगह वॉन्टेड टू नो का भी इस्तेमाल हो सकता है वॉन्टेड टू नो जानने की इच्छा रखी वॉन्टेड टू नो तो इंक्वायर्ड डैट इफ की जगह लगा सकते हैं क्या इंक्वायर्ड के साथ डैट नहीं आएगा इंक्वायर्ड आएगा बस डेट और इफ एक साथ नहीं आ सकता आकाश ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और यही चीज मैंने आपको यहां पर बता दी है तो राधिका सेठ टू मोहन और ये इंटेरोगेटिव है तो सेट टू का टोल्ड नहीं बदलेगा राधिका आस्क्ड मोहन अब ये देखो ऑक्सिलरी से सेंटेंस शुरू है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा मैंने यूज कर लिया इफ सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू यू किसको कह रहे हैं मोहन को ये लग गया ही डू और लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई लव की सेकंड फॉर्म लाउड क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है तो आगे प्रेजेंट का क्या बन जाएगा पास्ट और मी कौन है फर्स्ट पर्सन राधिका एक लड़की है और उसके लिए क्या हो गया हर ही लाउड हर के सेंस में हो गया जल्दी से जल्दी अपना आंसर लिखिए ताकि मुझे भी पता लगे आपको ये बात समझ में आ गई है अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर तीन जितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया शाबाश निशु शाबाश शिखा बहुत बढ़िया शाबाश बेटा शाबाश दोनों का आंसर बिल्कुल सही है लॉट ऑफ ब्राइटनेस देयर आकाश जी कह रहे हैं सर ब्राइटनेस आज ज्यादा है मुझे भी ऐसा लग रहा है कंप्यूटर जी बेटा आप बताओ ठीक है अब हम्म अब ठीक है ब्लैक इंक से लिख दीजिए ठीक है जी हमने तो क्या करना है ये रही ओ अब बताओ कैसा लग रहा है अब बताओ कैसा लग रहा है ठीक है या नहीं है सबसे पहले तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए क्या ये ब्लैक बैकग्राउंड ठीक है इज दिस व्हाइट विजिबल टू यू चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए ब्लैक बोर्ड ही हो गया अब आपका तो पुराने दिनों में पहुंच गए स्कूल में पहुंच गए सारे <laughs> क्या ये सर झक्कास से हाँ ये नाइस है आ, बिल्कुल चमक रहा है भाई साहब चलो अब इतना ही खूबसूरत आंसर देना है जितना ये व्हाइट बो, ब्लैक बोर्ड लग रहा है द बोस से एम्प्लॉज वर यू लेट yesterday चलिए इसका आंसर बताइए कंप्यूटर जी निशु जी को जवाब दो आंसर बताओ द बोस आर्ड एम्प्लॉज बिल्कुल ठीक है द बोस तो सेट टू का क्या बन जाएगा आस्ट द बोस आर्ड एम्प्लॉज या द एम्प्लॉज चलो अब इस बार मैं वेदर का इस्तेमाल कर लू कोई दिक्कत नहीं इफ या वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं वर यू लेट तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना यू यू किसके लिए यूज हुआ एम्प्लॉज दे एम्प्लॉयज के लिए क्या आ जाएगा दे ही रिलेटेड वो एम्प्लॉज प्लूरल है तो ये यू भी कितना के लिए होगा एम्प्लॉज के लिए होगा यू सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन हमेशा किसको रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को आप भूल गए सन फॉर्मूला वन टू थ्री सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को और थर्ड पर्सन का नो no चेंज होता है ही वॉज लेटेड नहीं आएगा लेट तो खुद ही एडजेक्टिव है दे वर और वर क्या है पास्ट टेंस और सेंटेंस की शुरुआत भी क्या है पास्ट टेंस पास्ट का पास्ट क्या बनता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट क्या होता है हैड बीन लेट द प्रीवियस डे बिफोर यस्टर डे को किसमें चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज कर देते हैं इफ versus weather. Whenever you have two choices, then you have to use whether. When you want to describe the condition, you have to use if. Sometimes if and whether are inter interchangeable, Karnati, but sometimes using one or the other will change the meaning of your sentence. Okay. So here we can use both the things. Either you can take as your answer.

टुमोरो विल यू हेल्प मी टू टुमोरो आई से टू स्नेहा विल यू हेल्प मी टूमो क्या आंसर होगा इसका देखो अब देखते जाओ आज आज मजा आने वाला है हर एक मिनट पे एक क्वेश्चन करते जाओ तो लगभग आपके आज साठ सत्तर अस्सी क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा आज पक्का और पेपर भी जितने ये लिखवा रहा हूं ना इसी पर बेस आएगा पेपर में एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा ये चैलेंज है हां जी बिल्कुल सही बात है नरेशन के अंदर इफ और वेदर को इंटरचेंज कर सकते हैं वेरी गुड कपिल कपिल ने बिल्कुल सही दिया है आई आस्ट स्नेहा फ ये वु, वु, यू कौन है स्नेहा स्नेहा के लिए क्या लग गया शी विल हेल्प विल हेल्प का क्या बन जाएगा वुड हेल्प अब ये मी कौन सा पर्सन होता, first person, first person subject के change होता I है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है आई है आई का तो मी का मी रह जाएगा मी और टुमारो का चेंज क्या होगा द नेक्स्ट डे तो बताओ अब सारी चीजें चेंज करनी आ गई टेंस भी प्रोनाउन भी और अदर चेंजेस भी और ऑलवेज आंसर फुल स्टॉप में आता है जब भी नरेशन का कोई भी आंसर हो शाबाश करनती, शिखा आकाश बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए साथ साथ वेरी गुड चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास ऑप्शन भी दूंगा मैं इसके ए बी सी डी चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे He said to his sister, He says to his sister, Did you like? Tells his sister if she liked it he asked his sister अगर आपका आंसर बना सकते हो तो बना भी लो अरे कपिल ने तो आंसर ही बना के भेज दिया चलिए आंसर दीजिए। oh निशु का आंसर गलत हो गया <laughs> निशु का आंसर गलत हो गया अब निशु भी सोच रही होगी कि मेरा आंसर गलत क्यों गया और यह गलती शिखा ने भी कर दी आकाश और कपिल समझदार हैं। इन दोनों ने निकी निशु और शिखा ने गलती कर दी अब निशु और शिखा को पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम पूछा है मैंने ये चीज रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो टेंस में है तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज नहीं होता पास्ट है तो पास्ट रहता है सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट रहता है पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहता है बड़ा चेंज नहीं होता है आंसर आंसर बताओ ए बी सी सी डी में से क्या answer आएगा इज द राइट आंसर नो करनी यू आर मेकिंग द कमिटिंग द मिस्टेक एंड ज्योति सिंह डी इज द राइट आंसर हाउ कैन डी बी द राइट आंसर ज्योति प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट इन क्लास वेर यहां पर क्या लिखा है बाबू टू लिखा है tense. मतलब प्रेजेंट टेंस, टेंस है तो प्रेजेंट में tells लिखेंगे आस्क लिखेंगे आस्क लिखेंगे आस्कट का इस्तेमाल नहीं होगा अब ये क्वेश्चन पूछा है ना क्वेश्चन क्वेश्चन में टेल्स का इस्तेमाल नहीं होता हमेशा आस्क का इस्तेमाल होता है अब ये आस्क देखो प्रेजेंट टेंस में है अगर बाहर पास्ट टेंस होता है यहां पास्ट होता तो अंदर का प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पास्ट है तो पास्ट फ्यूचर है तो फ्यूचर आई रिपीट अगर आपके पास रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता तो ये डिड यू लाइक मतलब सिंपल पास्ट टेंस तो ये सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा सिंपल पास्ट टेंस आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ज्योति जी आ क्या आपको बात समझ में आई जितने लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह के और भी क्वेश्चन कराए जाएं जल्दी बताइए यस और नो एक क्वेश्चन और करवाऊं इसी के ऊपर यस बोलोगे तो कराऊंगा नहीं तो अगले टॉपिक पर बढ़ूंगा अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ूंगा नारेशन के जल्दी बताइए देखो यू आर वेरी फंटेस्टिक स्टूडेंट्स जल्दी मॉक टेस्ट का लिंक बता दीजिए जो कल लाइव होगा फेसबुक पेज से उठा लेना आज का दस बजे का लिंक है निशु चलो करो के देखो ज्योति जी अब ज्योति जी गलती नहीं करेंगी माय मदर विल से टू मी I am ready to teach you and will teach, will help you forever. वो दूसरा सेंटेंस बन गया था बेटा चलो माई मदर विल टेल मी दैट इफ आई वॉज एबल टू हेल्प हर माई मदर विल आस्क मी If whether I am able to help her, my mother will ask me if she is able to help me. My mother. विल आस्क मी वेदर आई एम एबल टू हेल्प हर चलिए बताइए कपिल ने लिखा माई मदर विल आस्क मी इफ आई एम एबल टू हेल्प हर माई मदर विल टेल मी टेल में क्यों आएगा आकाश टेल में क्यों आएगा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है टेल में आकाश टेल में क्यों आएगा हां टेल रिप्लेस आकाश ठीक है आंसर बी यू हैव टू यूज ओनली वन थिंग टू थिंग्स के नॉट बी यूज टूगेदर इफ एंड वेदर बोथ के नॉट बी यूज टूगेदर ओनली वन थिंग हैज टू बी यूज्ड ऑप्शन दो ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी ऋतिक वर्मा डी इज द राइट आंसर शाबाश बेटा डी इज द राइट आंसर विल से टू है तो विल आस्क हो जाएगा इंटरोगेटिव है तो वेदर या इफ का इस्तेमाल हो जाएगा that का इस्तेमाल नहीं होगा इफ और वेदर नहीं होगा कौन सा है के होती शी नहीं आएगा आई आएगा डी इज द राइट आंसर अंदर प्रेजेंट टेंस है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस रह जाएगा क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस है ऑप्शन दिसंबर अच्छा डी फॉर दिसंबर ओके अच्छा 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 <laughs> कोडिंग डिकोडिंग में बात कर रहे हो ऑप्शन ए ए ए ए ए केवल एक बच्चे का ठीक जा रहा है बेटा कपिल अग्रवाल का सही है बस बाकी सबका गलत है शाबाश बहुत बढ़िया मेरा नाम रोशन करोगे तुम ए चलो देखो <clears throat> ये क्या है श्रेष्ठ ये क्या होगा आसकस 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 है ना <laughs> ये जी इंटेरोगेटिव है और मॉडल्स का इंटेरोगेटिव है यस या नो का आंसर देगा इफ या वेदर आना चाहिए ये इफ लगा दिया ये जी यू से शुरू होना चाहिए यू सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है मी का क्या बन जाएगा आई बन जाए ठीक है जी अब मस्ट को सर आपने कल बताया था तीन तरीकों से लिखा जा सकता है मस्ट को तीन तरीकों से लिखा जा सकता है मस्ट को हैज है से लिखा जा सकता है हैव टू से लिखा जा चुका जा सकता है या विल हैव टू से लिखा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेंस प्रोवाइडेड प्रेजेंट के लिए पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए ये टूमारो शब्द रखा है ये पक्का फ्यूचर के लिए होगा तो मस्ट को मैं क्या मान लूंगा विल हैव टू या विल हैव टू अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता विल हैव टू तो रहेगा वुड है और जब टेंस चेंज नहीं हुआ तो टुमारो वगैरह शब्दों को भी चेंज नहीं करते एडिशनल और अदर चेंजेस तभी होते हैं जब टेंस का रिफ्लेक्शन जाता है कल उस वाला कल यानी जब पास्ट के रिफ्लेक्शन में बात जाती है रिपोर्टेड वर्ब जब आपके पास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होती है तो इससे दो चीजें आती है ना तो यहाँ का टेंस चेंज होता है यहाँ टेंस से रिलेटेड जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन यानी एडिशनल चेंजेस जो आपको लिखवाए गए हैं वो भी चेंजेस नहीं होते हैं और ऐसे क्वेश्चन सी या सी में थेरेटिकली पूछे जाते हैं कई बार सर सेवंथ को रिपीट कर दीजिए रिपीट करने का मतलब है मस्ट का मतलब बताओ बच्चों आपको कंपल्शन कल बताया था और कंपल्शन का मतलब होता है हैव टू हैड टू टू या विल हैव अब ये टुमारो की बात कर रहा है तो टुमारो का मतलब हो गया कि मस्ट को मैं विल हैव टू भी देख सकता हूं और इसका मतलब मस्ट को मैं यहां विल हैव टू विल यू हैव टू गो ऐसे यूज कर लूं तो इसका मतलब टुमारो का काम जो विल हाँ कर रहा है अब हमें पता है अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा तो विल का विल ही रहेगा वुड का तो इस्तेमाल नहीं होगा और टुमारो का नेक्स्ट डे होगा ना 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 निशु ना आप याद रखना एडिशनल चेंज जो होते हैं एडिशनल चेंज जो हमने कहा था कि नाउ का क्या बन जाता है देन ऐसे ही हमने कहा था कि आ, टूडे का क्या बन जाता है दैट डे हमने कहा था दोज का क्या बनता दोस्त डेज यस्टर डे का क्या बनता है द प्रीवियस डे द डे बिफोर वो तभी बनता है जब आपके पास रिपोर्टेड वर्ब जो है वो कौन से टेंस में हो पास्ट टेंस में हो एक क्वेश्चन करके देखिए क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू ही सेड टू मी Are you working now? Or he says to me, Are you working now? Up option A, B, C, D. क्वेश्चन नंबर वन का इनमें से क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू का इनमें से क्या आंसर होगा देखिए आकाश कह रहे हैं वीडियो बफर हो रही है बेटा नेट कनेक्शन चेक करो यहां से बिल्कुल ठीक है कपिल अग्रवाल ने बताया ही आज मी इफ आई वॉज वर्किंग देन तो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर क्या आएगा अब देखो आपने आंसर कैसे देना है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मान लो ए आया और क्वेश्चन नंबर टू का मान लो आंसर सी आया तो ऐसे लिख के भेजना है मुझे ये एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे हाउ टू राइट द आंसर क्वेश्चन नंबर वन का सी और क्वेश्चन नंबर टू का डी शिखा ने बताया शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश, सबका ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं हम आते हैं दो मिनट में ब्रेक लेकर आते हैं दो मिनट में आप भी रिफ्रेश हो जाइए और इसके बाद आगे के क्वेश्चन और इसको डिस्कशन करते हैं आपको भी कोई मुश्किल क्वेश्चन लग रहा हो आप भी छांट के रखिए क्योंकि आप लोग भी आए हैं अपनी अपनी आरियों के साथ लेकिन मैं भी आया हूं अपनी पूरी नरेशन की तैयारियों के साथ क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा हाथ मुंह धोकर आइए पानी पीकर आइए थोड़ी देर में वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक सारे बच्चे आ गए होंगे सारे बच्चे आ गए होंगे आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आना था। चलिए, का क्या हो जाएगा? आनाथा आर यू वर्किंग तो यू किसके लिए लगा मी के लिए आई वॉज वर्किंग और अगर ये टेंस चेंज हो रहा है तो ये नाव का भी क्या बन जाएगा Then, तो ये आंसर हो जाएगा सी तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया सी सर संडे को होने वाले मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं यस ऑल इंडिया लेवल के होते हैं एक बार की बात है पिछले साल प्रीलिम्स होने से पहले पूरे देश के सत्तर हजार बच्चों ने एक साथ मॉक दिया था इसका सत्तर हजार बच्चों ने एक साथ मौक दिया था और इस बार भी वही होगा एसएससीटी पर सत्तर हजार से ज्यादा बच्चे मौक कर देते हैं इसका चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए ही सेज टू मी प्रेजेंट है अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा एम लगेगा अगर टेंस चेंज नहीं हुआ तो नाव का नाव ही रहेगा देन का इस्तेमाल नहीं होगा डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर डी हो जाएगा थैंक यू वेरी गुड एक क्वेश्चन अब टाइप चेंज करते हैं अब छोटा सा चेंज करते हैं निशांत कह रहे हैं द टीचर सेड निशांत का एक क्वेश्चन है द टीचर सेड आई कंप्लीटेड द लास्ट चैप्टर आई कंप्लीटेड द लास्ट चैप्टर अब बेटा ये लास्ट जो शब्द है ना यहां पे ये एडवर्ब नहीं है ये चैप्टर के लिए यूज हुआ लास्ट डे लास्ट मंथ लास्ट ईयर होता तो द प्रीवियस डे प्रीवियस मंथ प्रीवियस ईयर लिख देते लास्ट को लास्ट ही रखने दो क्योंकि ये चैप्टर की बात हो रही है द टीचर यहां पर टोल्ड भी नहीं लगेगा क्योंकि सेड लगेगा क्योंकि सेड टू to को टोल्ड में बदलते हैं दैट ही हैड कंप्लीटेड द लास्ट चैप्टर क्योंकि ये सेंटेंस में यहां पे भी पास्ट है यहां पे भी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया और ये द लास्ट चैप्टर हो जाएगा और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हाँ बिल्कुल ठीक है कपिल ने बिल्कुल सही बताया अब आपको और ज्यादा मजा आने वाला है इंटरोगेटिव में अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपके पास इफ यू हैव बीन गिवन क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो कैसे करते हैं क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं वट वेयर वेन हुम हुज वाई हाउ कौन सा एक और रह गया we demonstrated to them how we were prepared the artistic present pattern ड हाउ वी प्रिपेयर्ड आएगा हाँ एर है हाउ वी हैड प्रिपेड या वी प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न वी हैड प्रिपेड आना चाहिए जितेंद्र पैसिव वॉइस नहीं आएगा हम प्रिपेयर किए गए थे या हम हमने प्रिपेयर किया था एक्टिव वॉइस होगा बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगी हैड प्रिपेयर्ड आना चाहिए जितेंद्र What, where, when, who, whom, whose, why, how। जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह के इंटरोगेटिव के अंदर आपके पास ये यू का यू रह जाता है एक सबसे पहले एग्जांपल देखिए और उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा अगर मैंने लिखा आई से टू हर वाट डू यू लाइक अगर मैंने क्वेश्चन वर्ड डाल दिया वट डू यू लाइक वट डू यू लाइक तो इसका वॉइस क्या बनेगा तो इंटेरोगेटिव है तो आई हर नाउ वट वन थिंग टेकन केयर ऑफ इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करने के लिए सिंपल सेंटेंस में दाट ले रहे थे इंटरोगेटिव के ऑक्सिलरी वाले के लिए इफ या वेदर ले रहे थे यहां पर कुछ भी नहीं रखना है इस वट को रख देना है बस आई आस्ड हर वहां पर ये डू यू लाइक बच गया और आंसर फुल स्टॉप में आना है सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाएंगे यू के स्थान पर शी और डू लाइक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है बाहर सेकेंड फॉर्म है तो ये भी फास्ट फॉर्म बन जाएगा और ये लाइक्ड बन जाएगा क्या बन जाएगा लाइक् आई आस्ट हर वट शी लाइक्ड यहां पर यू लिखा हुआ यू सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है शी आएगा कपिल अग्रवाल आई क्यों लिख दिया आपने शी आना चाहिए यहां पर आंसर जल्दी से जल्दी अपने आंसर को चेंज कीजिए और नहीं समझ में आया तो मुझे बोलिए कि सर रिपीट कीजिए जितेंद्र कुमार मैं आपके आंसर का जवाब दे चुका हूं वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम नहीं आएगा वी डेमोन्स्ट्रेटेड देम हाउ वी हैड प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न ये सेंटेंस आएगा वी हैड प्रिपेयर्ड तो पहली बात तो टू नहीं आएगा और दूसरी बात हैड प्रिपेयर्ड आएगा टू को फिर भी कंसीडर कर लो हां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में लेकिन वर प्रिपेयर्ड नहीं आएगा बिल्कुल हैड प्रिपेयर्ड होगा इस तरह के अभी एरर करवा रहा हूं बेटा एक सेकंड रुक बस एक दो क्वेश्चन और करवाने दो अब अगर ये वाली बात समझ में आई तो अब क्वेश्चन का आंसर दो ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया तो क्वेश्चन नंबर दो शी से टू मी हाउ आर यू तुम कैसे हो She asked me option A, B, C, and D. She asked me if how is I. She asked me how am I. She asked me. How I am? Or she asked me, How I was? चलिए आंसर बताओ करनाती 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 डी 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 निशांत सी और डी दोनों आंसर क्यों दे दिए अच्छा डी आंसर है ठीक है तो सबसे पहली बात देखो सेट टू का क्या बन गया आस्ट 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 यहाँ पे हाउ है तो हाउ 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 इफ और हाउ नहीं इस्तेमाल होगा आर यू में सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे सब्जेक्ट आ गया यू का आई हो गया क्योंकि यू सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता तो है आई सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है तो आगे भी पास्ट टेंस हो जाएगा आर का बन जाएगा वोज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए दे सेट टू मी Where were you going? Where were you going? मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड रिप्लेस नहीं होते इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड ही एडवर्ब का काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं सेंटेंसेस के बीच में जोड़ने का काम करते हैं बेटा निशांत ठीक है ऐसे याद रखो कॉन्सेप्टी ग्रामेटिकली फॉर्मल इंग्लिश में चलिए निशु ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है शाबाश बेटा निशु शाबाश सैल्यूट बहुत बढ़िया निशु तुम्हारी नौकरी पक्की है 2020 में बस मेहनत करते रहो ऐसे शिखा जी का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है अमित कुमार का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है जवाब देते रहो मैं आपका नाम लेता रहूंगा आपका आंसर नहीं बताऊंगा क्या है ताकि बाकी बच्चे सोचना बंद ना कर दें निशांत ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है महावीर बंसल का आंसर सी आया है और वो आंसर गलत हो गया है चलो सबसे पहली बात देखो वेयर का तो वेयर रहेगा अच्छा बाहर पास्टेंस है आपको कल बताया था कि जो वोजवर होता है पास्टेंस होता है वो मतलब कोई भी पास्ट टेंस होता है पास्ट के ऊपर पास्ट का इंपैक्ट जाने पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है और ये वर्ड जो है वो बी की थर्ड थर्ड फॉर्म में चेंज होगा तो ये बीन बन जाएगा हैड बीन तो हैड बीन बताया था या नहीं तो वो वर्ग का हैड बीन बन जाएगा अगर बीन बन जाएगा तो ये हैड बीन आंसर आना चाहिए गोइंग का तो गोइंग रह जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर निशांत ने एक सवाल पूछा है क्वेश्चन पूछा है निशांत हैज आज अ डाउट हां जी सबका सही है सबका सही गया निशांत का एक क्वेश्चन है दे हैव सेड दे हैव सेड द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस द क्वेश्चंस आर Out of syllabus। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा निशांत और बाकी बच्चों को भी करना आ जाएगा They have said that the questions were out of syllabus. Oh you like the out of syllabus code. They said that the questions were out of syllabus. They have said that the questions are out of syllabus. They have said that the questions had been out of syllabus. जी तो ये हैव सेड है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है टेंस हो तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता आर का क्या रहेगा आर ये रहा आर आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा निशांत ठीक है शिखा और कपिल ने सही आंसर दे दिए हैं सी इज द राइट आंसर चलिए आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे और आपकी फटाफट आप क्विजिंग हो जाएगी पंद्रह क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं पंद्रह क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं चलिए क्वेश्चन नंबर टू बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए क्या आंसर आएगा अब है सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो चलिए अब सीधे सीधे क्वेश्चन बताइए राइट आंसर आपने बताने हैं मुझे ओके आई विल अपलोड द पीडीएफ कंप्यूटर जी पीडीएफ अपलोड कर देंगे सो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर टू अभय सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो तो अभय के लिए क्या लग जाएगा सेड डैट ये सेड डैट हो गया सेड के साथ डैट है डैट नहीं है सेड डैट ये ही आ गया ये ही आ गया विल का क्या बनेगा वुड गो टू तो सूरत गो टू तो सूरत अब यहां पास्ट है तो ये भी पास्ट में बदलेगा टुमोरो का नेक्स्ट डे होगा केवल टूमोर का इस्तेमाल नहीं होगा ये राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी लिटिल प्रिंसेस आज द किंग क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए थ्री का सी थ्री का डी थ्री का सी थ्री का डी ask the king, किंग सो द किंग द किंग नहीं आस्कड लिखा है ask, said नहीं आएगा किससे पूछा है लिटिल प्रिंसेस से आर द लिटिल प्रिंसेस आर द लिटिल प्रिंसेस अब जब इंटेरोगेटिव होता है इंटेरोगेटिव के लिए दैट का इस्तेमाल नहीं होता वेदर क्योंकि यहां पर क्या आया हुआ है? डू तो वेदर डू यू हैव एनी थिंग तो डू यू हैव में यू कौन है प्रिंसेस है प्रिंसेस के लिए क्या लग गया शी हैव का पास्ट क्या बन गया हैड एनीथिंग टू टेल मी एनीथिंग टू टेल हिम बन जाएगा किंग के लिए और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा तो जितने भी लोग कोई जसपाल या किसी ने बी आंसर दिया था नहीं जसपाल ने डी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है ठीक है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी चलिए वीर सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल वीर सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल इसके अंदर क्या आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देखते ही निशान लगाना है और बड़े ध्यान से लगाना है क्या आएगा आंसर फोर का डी फोर का डी फोर का डी चलो बिल्कुल ठीक है फोर का डी आंसर है क्योंकि वीर से डैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पर डी क्यों आया बेटा यहाँ पे दैट नहीं लगा हुआ था यहाँ पे वोज का वोज लिख दिया यहाँ दैट दो बार लिख दिया दैट ही हैड बीन प्लेइंग वोज वर ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और वोज वर को हैड बीन में चेंज कर देते हैं क्योंकि बी की पास्ट फॉर्म ये है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन बनेगी तो यहां पर यह राइट आंसर हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट डू यू वांट शीला रोहन बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाइव का बी फाइव का बी फाइव का बी वेरी गुड शिखा अमित आकाश बिल्कुल सही है आर यू गिविंग द द आंसर सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस देन द लेटर पार्ट मस्ट बी इन द पास्ट पास डू कैन नॉट बी द आंसर डज कैन नॉट बी द आंसर वॉन्ट्स कैन नॉट बी द आंसर व्हाट ही वॉन्टेड बिकॉज वट तो वट आएगा ही वट यू किसके लिए यूज हुआ है रोहन के लिए ही हो गया और डू वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चेंज करोगे तो सेकेंड फॉर्म बनेगी वॉन्टेड बनेगी बी इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन में तो से को टू टेल हो जाएगा अच्छा जी ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए स्मिता सेज आई लाइक चॉकलेट्स ओह करनती यू हैव टू लुक एट द कर रिपोर्टेड वर्ब दिस हैज टू बी लुक्ड एट माय ब्रो क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर जल्दी बताओ निशांत बढ़िया बढ़िया निशांत की स्पीड बहुत अच्छी है महावीर की स्पीड आज बहुत अच्छी है आकाश और शिखा की स्पीड बहुत बढ़िया है और अमित और निशु ने तो आज झंडे गाड़ दिए शाबाश बेटा हम्म चलिए आसान क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर स्मिता सेज डार्ट शी लाइक्स चॉकलेट्स क्योंकि यहां पर आपके पास सेज है तो सेड नहीं आएगा ऑप्शन ए नहीं आएगा ऑप्शन बी सी डी के अंदर सी में डाट नहीं लगा हुआ और डी में दो बार डार्ट लगा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच uh, के अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब बाहर सेज है प्रेजेंट टेंस होने पर अंदर के टेंसेज में कोई चेंज नहीं आता है यहां पर लाइक्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके चलिए द डायरेक्टर सेड कैन यू डांस एंड शी सेड नो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताओ आपके पास तसल्ली से आंसर देना हैव पेशेंस टेक एज मच टाइम एज यू कैन बट योर आंसर शुड नॉट बी रॉन्ग ओके नाउ द एक्यूरेसी इज मैंडेटरी टू हैव इन योर कंपैशन चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर ए आ गया है यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बेटा क्वेश्चन मार्क है तो चीजें सेड नहीं आस्क डालना चाहिए आस्ट 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 इंक्वायर्ड होता तो ऑफ भी लगना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी कट गया हर 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 यहां पर कैन से बात शुरू है ऑक्जलरी वब यानी मॉडल से इफ आएगा ये इफ लिया हुआ है यू किसके लिए लगा हुआ है सेड यानी शी के लिए तो शी 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 कैन का पास्ट क्योंकि सेड पास्ट में तो कैन भी पास्ट में चला जाएगा कुड आना चाहिए कैन का आंसर नहीं आएगा मतलब डी आंसर भी नहीं आएगा अब आपका आंसर ए या बी में से आना चाहिए कैन यू डांस का कुड डांस होना होना चाहिए चाहिए कुड कुड डू द डांस डांस नहीं एंड शी सेड डाट द कुडंट द कुडंट नहीं शी कुडंट ये ऑप्शन चेंज कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सबको समझ में आ गया अब आप का स्पीडोमीटर शुरू करते हैं शुरू करें एक बार यस या नो करके बताइए स्पीडोमीटर शुरू करें अब आपको हर क्वेश्चन के लिए केवल और केवल टेन सेकेंड्स दिए जाएंगे जिसमें टेन सेकेंड्स मैं खुद गिनूंगा और आपने उतने टेन सेकेंड में करेक्ट आंसर देख के बताना है आपको अपनी आंखों पर भरोसा होना चाहिए दिमाग पर भरोसा होना चाहिए ठीक है अब आपके सामने चलेगा स्पीडोमीटर बड़ा मजा आने वाला है सच बता रहा हूं बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा सच बता रहा हूं चलिए क्वेश्चन नंबर एट पर पहला स्पीडोमीटर आपकी स्क्रीन तक पहुंच गया है और मैं गिनना शुरू कर रहा हूं टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मैं कर रहा हूं आपका इंतजार और ये आ गया आकाश का अमित का राइट आंसर बी सी सी डी बी सी बी एव माई गॉड चारों के चारों आंसर बताए जा रहे हैं चलिए राइट आंसर देख लेते हैं कंप्यूटर जी राइट आंसर कंप्यूटर जी ने बताया आंसर सी आ रहा है इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा ज्योति टोल्ड हर सिस्टर डेट द आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक क्योंकि ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो चीज अपने आप में नेचुरल फैक्ट होती है उनका टेंस चेंज नहीं करते हैं इसका वाज़ नहीं करते हैं ऐसे में कई बच्चों ने वाज़ आंसर लगाने की कोशिश की वाज़ आंसर नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा बिकॉज ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये परमानेंट ट्रूथ है इसमें कोई भी झूठ नहीं है बात समझ में आई या नहीं क्या ऐसी गलती दोबारा करेंगे आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन छोड़ो बार चलिए दसवां क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन का बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर ए बी सी या डी में से क्या आंसर आएगा दसवें का आंसर बता रहे हैं बी बेटा दे का आंसर बी। चलिए द प्रोफेसर सेट टू सूरज वेटिंग फॉर वहां भी पास्ट वहां भी पास्ट वर का क्या बन जाना चाहिए बीन अब देख लो आंसर किसमें बीन है येरा बीन एक ऑप्शन में बीन देखते ही आंसर लगाना था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है एक क्वेश्चन और करो उसके बाद क्लास छोड़ रहा हूं आई सेड my grandfather snored throughout थ्रू आउट द नाइट स्नोर का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर बताओ टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन उधर भी पास्ट उधर भी पास्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट क्या होता है प्लस थर्ड फॉर्म कहां पे लिखा हुआ है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड और फॉर्म ये दे रखी स्नोर तो हैड स्नोर्ड कहां कहां ऑप्शन है जल्दी से जल्दी आंसर बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आकाश अमित निशान कपिल निशु जितेंद्र और शिखा सबका आंसर सी आ गया है एक बार चेक कर लेते हैं कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मुझे एक और क्वेश्चन कराने का मन कर रहा है आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द क्लाइंट सेट टू द टिकट सेलर एट वट टाइम द काउंटर्स क्लोज एट वट टाइम द काउंटर्स क्लोज किस समय काउंटर क्लोज होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेड नहीं आएगा इंक्वायर्ड के साथ टू तो नहीं ऑफ आता है सी और डी ऑप्शन तो नहीं आएंगे ऑप्शन नंबर ए या बी में क्या आएगा द काउंटर्स क्लोज या डेड द काउंटर्स ऑलवेज क्लोज ऊपर ऑलवेज दिया ही नहीं हुआ नीचे भी ऑलवेज नहीं आएगा निशांत बेटा दोबारा आंसर चेक करो क्या ऊपर कहीं ऑलवेज दिया हुआ है जो नीचे आपने बी में चूज कर लिया ऑलवेज नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड ठीक है सो हाउ फॉर द फाइन इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस को करते रहिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज जो बेसिक प्रपोजिशन है उसको मैं कोशिश करूंगा आकाश पूछ रहे हैं रैंक बूस्टर बैच में आप क्या कराते हो अभी उसमें थर्ड uh, या फोर्थ लेवल टाइप के उसमें पी क्यू आर एस चल रहे हैं आकाश पूछ रहे हैं एक बार समझा दो प्लीज उसके अंदर अभी रैंक बूस्टर बैच के अंदर प्रीलिम्स और मेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चे लगातार गलती करते आए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हमारे हमने और हमारी टीम ने छाटे हैं या फिर वो क्वेश्चन जो मेरे से ऑफलाइन बैचेज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उन बच्चों के लिए है वो सारी चीज मिलते हैं उस बैच के लिए छह से सात वो बैच रहेगा आज भी उसकी क्लास है आकाश जरूर देखिएगा मैं चाहूंगा कि आप उसमें मिलो मजा आ जाएगा इसी स्पीड के साथ पढ़ेंगे ठीक है बेटा बाय बाय